वेलकम बैक टू माई चैनल. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं. आज मैं एक हेयर प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ. ये है कामा आयुर्वेदा से. ये है उनका ब्रिगंडी इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट. अगर आपने मेरा होली अनबॉक्सिंग वीडियो देखा है तो मैंने ये उस टाइम परचेज किया था. बट आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है बिकॉज मैंने इसको यूज़ नहीं किया था. तो मैं चाहती थी कि मैं इसको एक बार यूज़ कर लूँ, उसके बाद ही आपको अपने रिव्यूज़ दूँ. तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा यूज़ में इसको कर चुकी हूँ. तो अब मैं आपको इसका रिव्यू बहुत अच्छे से दे सकती हूँ. तो अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइज, इट कम्स इन दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग. ये इस तरह की ब्राउन कलर की प्लास्टिक बॉटल में आता है जिसके ऊपर ही इस तरह का गोल्डन कलर का कैप है. इसको अगर मैं ओपन करूँ तो अंदर से आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ऑयल यहाँ से निकलेगा. और गाइज, एक बार जब मैं पढ़ दूँ उन्होंने क्या लिखा है. उन्होंने लिखा है कि ब्रिगंडी इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा फॉर लश हेयर ग्रोथ. दैट मीन्स ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और ये हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करता है, डैंड्रफ को और जो प्री मेच्योर बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, उसको कंट्रोल करता है. और ये एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है. जो इसकी क्वांटिटी है वो है 100 ml और जो इसका प्राइस है वो है 650 rupees और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 years. ठीक है. और जो इसकी डायरेक्शन है वो मैं बता देती हूँ. इन्होंने लिखा है जेंटली मसाज इन टू हेयर ensuring that entire scalp is covered. The treatment work as a natural conditioner if left on for 30 minutes. Clean post-treatment with mild shampoo. That means आपको इसको अपने scalp पे लगा के अच्छे से मसाज देना है और इसको 30 मिनट तक अपने बालों में छोड़ दें अगर आप चाहते हैं कि ये नेचुरल कंडीशनर की तरह आप बालों में काम करें. और 30 मिनट के बाद आप इसको माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए. दैट्स इट. आप रात भर भी इसको रख सकते हैं. बट यस, रात भर रखने का प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ्रेग्रेंस है इसकी. और गाइज, ये स्टेन छोड़ता है येलो कलर का. आई मीन, मैंने एक बार इसको ओवरनाइट के लिए रख के छोड़ा था एंड दो मैंने नीचे पिलो के ऊपर मैंने एक हैंड टॉवल रखा था सो दैट पिलो पे ऑयल ना जाए. बट सुबह तक वो जो मेरा हैंड टॉवल था उसका कलर येलोइश अजीब सा गंदा सा हो गया था. बहुत ही ज़्यादा स्टेन्स लग गई थी उसमें. तो आई हाईली सजेस्ट अगर आप इसको रात भर रखना चाहते हो तो आप प्लीज़ कोई डार्क कलर का या तो पिलो कवर लगा लें या फिर कोई डार्क कलर का जो भी आपका टॉवल है उसको उस पर लगा दें ताकि आप अपना तकिया बचा सकें. अदरवाइज़ ये आपका तकिया बहुत बुरी तरह से ख़राब कर देगा. और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे साइड पे लिखे हैं, मैं वो पढ़ूंगी नहीं. और वार्निंग इन्होंने लिख रखी है कि ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है. इसको कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करके रखें, बच्चों से दूर रखें, आँखों के कॉन्टैक्ट से भी दूर रखें. अगर कॉन्टैक्ट हो जाता है तो उसको ठंडे पानी से धो लें. तो बस इतनी सी चीज़ इन्होंने लिखी है. और ये मेड इन इंडिया है. जैसे आप जानते हैं कामा आयुर्वेदा एक आयुर्वेदिक ब्रांड है जो कि इंडिया का ब्रांड है. तो ये सब हो गया इसकी पैकेजिंग के बारे में. अब बात करते हैं इसके रिव्यू पार्ट के बारे में. तो मैंने आपको बता दिया फ्रेग्रेंस इसकी बहुत स्ट्रांग है और ये कलर छोड़ता है. अगर आप इसको रात भर लगा के रखना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आप अपना हेड कवर करके सोएं, वरना ये आपका सब कुछ गंदा कर देगा. और अब बात करते हैं कि इसने काम किया या नहीं. गाइज, तो मैंने इसको आप देख सकते हो कितना यूज़ कर चुकी हूँ बट इसने मेरे हेयरफॉल की प्रॉब्लम को बिल्कुल भी ठीक नहीं किया. बल्कि लास्ट मैंने जब इसको यूज़ किया, अभी 3-4 दिन पहले मैंने इसको जो लास्ट मैंने यूज़ किया था उसके बाद मेरे बाल इतने रूखे हो गए. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय हेयर्स. मे बी डिस्क्लेमर है. एक डिस्क्लेमर है गाइज. मे बी ये मेरे हेयर्स पे इसलिए सूट नहीं किया, इसने मेरे हेयर फॉल इसलिए नहीं स्टॉप किया बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू माई पोस्टमार्टम पीरियड. मतलब मेरा अभी 8 month का बेबी है. तो वो कहते हैं कि पोस्ट डिलीवरी आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम होता ही होता है जो कुछ टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाता है. सो मैं ये नहीं कहूँगी कि इसने बिल्कुल भी हेयर फॉल पे काम नहीं किया बिकॉज मेरा हॉर्मोनल इशू है तो इसकी वजह से इसने काम नहीं किया. बट जो इसने लिखा है कि एक नेचुरल कंडीशन की तरह काम करता है तो इसने वो भी कुछ नहीं किया. तो इसलिए मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगी. फिर भी अगर आपको यूज़ करना चाहते हो
तो इसकी देखो स्मॉल पैकेजिंग तो आती नहीं है, इसकी यही पैकेजिंग आती है, तो आप अपने रिस्क पे इसको ट्राई कर सकते हैं, मे बी ये आपको ज्यादा अच्छे से सूट कर जाए। मेरा स्कैल्प ऑयली है, एक और डिस्क्लेमर कि मेरा हेयर, मेरा जो स्कैल्प है वो ऑयली है और मेरे हेयर्स आपके सामने है, ये स्ट्रेट है और नीचे हल्की सी इसमें वेव्स आती हैं, बट मेरा जो स्कैल्प है वो ऑयली है तो मुझे ये उतना सूट नहीं किया। अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं, आपका स्कैल्प ड्राई है, तो मे बी ये आपके स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट कर जाए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर इसकी छोटी पैकेजिंग मिलती है तो आप ज़रूर उसको पहले एक बार ट्राई करें, अदरवाइज अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये 650 रुपीज़ वाला भी परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।